और गैनी कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्ने पिंपल्स के 9 कारण बताऊंगा, जिसके वजह से आप ये जान सकोगे कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आप बार बार कर रहे हो जिसके वजह से आपको पिंपल्स हो रहे। और कई लोग इस चीज़ को जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं कि आखिर यार ये बार बार पिंपल्स क्यों होते हैं और इसका कारण क्या है। कोई भी सही से नहीं बताता है, लेकिन आज हम 9 कारण जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है ऑयली स्किन। दोस्तों, अगर आप की स्किन ऑयली है तो ऑयल के वजह से आप बैक्टीरिया और डर्ट को अपने स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में अट्रैक्ट करते हो, जिसके वजह से ये जो बैक्टीरियाज है आपके चेहरे के अंदर घर बना देते हैं और बाहर आते हैं पिंपल्स के फॉर्म में। नंबर 2, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया ही मेन कॉज होता है दोस्तों पिंपल्स का। अगर आप एक पिंपल को फोड़ते हो और उसके अंदर से जो येलो वाली चीज़ आती है तो उसके अंदर डेड सेल्स और बैक्टीरिया देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपके चेहरे पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में आपको ज़्यादा मात्रा में एक्ने, ज़्यादा मात्रा में पिंपल्स अपने चेहरे पर देखने के लिए मिल सकते हैं। इसका सोल्यूशन करने के लिए आप जो है एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे जैसे हम हमारे उम्र में बढ़ोतरी होती है, हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसके वजह से हमारे चेहरे के ऊपर पिंपल्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फॉर्म होते हैं। नंबर 4, डर्ट या फिर बिल्डअप क्लॉक पोर। आपने देखा होगा आपके चेहरे के ऊपर जो छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, अगर उनके अंदर डर्ट चले जाती है और आप एक सही स्किन केयर रूटीन नहीं फॉलो करते हो, आप अपने चेहरे को ठीक से नहीं धोते हो, तो ये जो डर्ट है ये आपके पोर्स को बंद कर देती है, जिसके वजह से फिर से आपको आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नंबर 5, हेरिडिटरी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपके फैमिली में इसके पहले किसी को पिंपल्स होते होंगे तो ये भी एक बड़ा और मुख्य कारण हो जाता है, जिसके वजह से आपको भी आपके चेहरे के ऊपर एक्ने और पिंपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नंबर 6, अनहेल्दी डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, तो ऐसे में भी आपको आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नंबर 7, डेड स्किन सेल्स। अगर आपके चेहरे पर बहुत सारे डेड स्किन सेल्स हैं, अगर आपके चेहरे के ऊपर आप कभी भी स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो ऐसे में भी ये जो डेड स्किन सेल्स है ये पिंपल्स के फॉर्म में आपको बाहर आते नजर आएंगे। नंबर 8, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो इसके वजह से आपकी स्किन भी इरिटेट हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उन्हें फिर एक्ने पिंपल्स जैसी समस्या हो जाती है। नंबर 9 और सबसे लास्ट, नो पर्सनल हाइजीन। अगर आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करोगे तो आपकी स्किन जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खराब होगी। इसलिए आपको ये बात याद रखना है कि पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, यानी कि अच्छे से अच्छा फेस वॉश, अच्छे से अच्छा क्रीम और अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करना आपके चेहरे के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 9 एक ऐसे कारण हैं जिनके वजह से आपको बार बार पिंपल्स होते हैं।